जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड आई एम श्योर कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है जून मंथ के राशिफल को लेकर, आप अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग उसको ज़रूर देख रहे होंगे। मैं जो भी राशिफल बताती हूँ या मैं जो भी ग्रहों का गोचर बताती हूँ वो मैं आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग नीचे कमेंट कर पूछते हैं कि मैम ये सूर्य राशि के अकॉर्डिंग है या चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। तो आज मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही आपके ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर और राशिफल बताती। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना क्या खास लेकर आया है। कन्या राशि वालों के लिए जून का महीना मैं कहूंगी बेहतर है क्योंकि आपके चंद्र राशि से शनि छठे भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप करियर में आप जो भी प्रयास करेंगे वो आपको सफलता के रास्ते पर लेकर जरूर जाएंगे। इस समय आपकी रुचि सेवा भाव के कार्यों में भी थोड़ा सा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी चंद्र राशि में शुक्र की शुभ स्थिति इस मंथ आपको धन और प्रेम से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करने वाली है। देखिए, हालांकि देखिए आप लोगों के लिए मैं अगर बोलूं, अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है क्योंकि वर्क वाइज तो चीजें ठीक रहेंगी लेकिन सेहत में थोड़ा सा ना उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और हो सकता है कि सेहत की वजह से आप अपने कार्यों को प्रॉपर ना कर पाए। कल इंटरव्यू पर जाना है और आज आपकी सेहत अचानक से ख़राब हो गई और आपको अपना इंटरव्यू पोस्टपोन कराना पड़ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है। देव गुरु बृहस्पति आपके आठवें भाव में मौजूद होंगे, ऐसे में गुरु ग्रह की प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपको धन और स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो धन आपका बेकार की चीज़ों में जा सकता है, नौकरी के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन शनि आपके छठे भाव में मौजूद होंगे और शनि देव के छठे भाव में बैठे होने से आप अपने काम को बेहद प्रति मैं बोलूं काम के प्रति आपको प्यार तो बहुत है, मेहनत भी करना चाहते हैं और बहुत ही अपना सब कुछ समर्पण करके आप काम करेंगे जिससे आपका प्रदर्शन और भी अच्छा और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। आप करियर में प्रगति हासिल करने में सक्षम हैं इस मंथ में। मंथ के दूसरे भाग से शनि आपके छठे भाव में वक्री हो जाएंगे और इस वजह से करियर में आपको लाभ मिलने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। आपके ग्यारहवें भाव में मंगल के स्थित होने की वजह से आपको अपना व्यक्तिगत विकास का मौका मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए मैं खास तौर से कहूंगी आप लोगों के लिए इस मंथ की शुरुआत के दौरान अपने सीनियर अधिकारियों की तरफ से थोड़ा सा दबाव और चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है और परिवार में इसी वजह से मंगलदेव, मैंने क्या बोला, आपके साथ के लोगों का कारक है, तो परिवार में भी थोड़ा सा बातों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है जिस वजह से विचार नहीं मैच कर सकते हैं और कंफ्यूजन होने की वजह से परिवार में कंफ्यूजन जैसे जैसे बढ़ेगी आपका मानसिक स्तर अगर मैं बोलूँ वो थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो बृहस्पति आपके आठवें भाव में भी होंगे इसलिए बेहतर होगा कि आप हर काम की योजना बनाएं और फिर उसके अनुसार काम को करें। एकदम से प्लान करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपने कल क्या करना है आज ही उसको डायरी में नोट कर लीजिए तो ही चीज़ों को आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको भी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसा अगर आप करेंगे, प्लानिंग करके चलेंगे, तो सफलता की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। राहु आठवें और केतु आपके दूसरे भाव में स्थित होंगे जिसके चलते आपको जून के मंथ के दौरान अपने सीनियर लोगों के साथ कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आपका एग्रेशन थोड़ा सा इस वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस मंथ में आपको मुनाफा थोड़ा कम रहने की आशंका है, तो इसलिए घबराइएगा मत। ये मंथ आपके बिजनेस में आपके साथ के लोगों के साथ भी आपका तालमेल ठीक नहीं बैठ पाएगा, तो गुस्से की मात्रा को अवॉइड करिएगा। पेशेंस रख के चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो ही आपके आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन सुधर पाएंगे, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ कह लीजिए या आपकी प्रोफेशनल लाइफ कह लीजिए। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के आठवें भाव में होने से ये मंथ किसी क्षेत्र
में आप कोई नई चीज करना चाहेंगे, और हो ऐसा भी हो सकता है कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जिस वजह से किसी नए क्षेत्र में आप प्रवेश करना चाहेंगे, और आप प्रवेश कर भी लेंगे लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। तो ऐसा मत करिएगा कि किसी नए अपॉर्चुनिटीज़ के चक्कर में जो पुराना आप कर रहे हैं आप उसको भूल जाएं, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, ना ही आपका नया वाला काम बेहतर होगा और जो पुराना कर रहे थे वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। करियर में आप लोगों के लिए नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, और इस वजह से आपको संतुष्टि का अनुभव होते हुए दिख रहा है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में मौजूद होंगे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा सा देखा जा रहा है कि किसी से पैसे लेने पड़ सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है। आपके आठवें भाव में गुरु के बैठे होने से आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ भी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि कहते हैं ना, जब कष्ट आता है तो कोई साथ नहीं देता, लेकिन वो एक प्रभु, वो हमारा ईष्ट, हमारा ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता है। तो आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके ईष्ट हैं, आप उनका स्मरण करते रहिए। लेकिन उपाय के तौर पर आपकी राशि के हिसाब से मैं आपको कहूँगी कि आप लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहिए। माता रानी आपके लिए सभी अच्छे रास्ते खोल कर देंगे आपको। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन करिए ज़रूर, करने से पूर्णता आपको फल भी मिलेंगे। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट पेड हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। जय माता दी।